जब भी बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे या बिहार में आम चुनाव की घोषणा होगी तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना गठबंधन किसके साथ करेगी, इस बात की जानकारी दी जाएगी। उससे पहले किसी फ्रंट की चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। देखिए, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात कितना खास होने वाला है ये देखना होगा। लेकिन इससे पहले बड़े कयास लगाए जा रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा हो रही है, क्या जदयू, राजद और हम जो है वीआईपी जो है और चिराग पासवान एक साथ होंगे, एक मंच पर होंगे, इसके कयास लगाए जा रहे हैं और तमाम तरीके की बातें चल रही है। इस बीच हमने चिराग पासवान से पूछा कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं और एक नए समीकरण को लेकर हलचल है, तो क्या लगता है यदि आपको ऑफर मिले तो क्या आप जदयू में जाएंगे और एक नए गठबंधन में आना पसंद करेंगे? क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, अब सुनिए। एक वो रणनीति बना रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोकसभा के जो चुनाव होगी चाहे विधानसभा की जो चुनाव होगी उसमें चिराग पासवान हो, वीआईपी हो, जदयू हो और राजद हो, एक मंच पे दिखे। उन्होंने रणनीति साझा की है, रणनीति को लेकर जो चर्चा चल रही है, चर्चा चल रही है, मुलाकात करने वाले। मेरे पास ऐसी कोई चर्चा नहीं। अगर ऐसा होता है तो आप रहेंगे? चिराग किशोर बिहार आ रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी करेंगे, इसे चिराग पासवान कैसे देख रहे हैं? भाई मैं तो आज मजदूर दिवस को देख रहा हूँ क्योंकि और कोई नहीं देख रहा है। वो आ रहे हैं नहीं आ रहे, पुराने सहयोगी रहे, उस पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं, तो अब वो किस विषय में आ रहे हैं, क्यों मिलने आ रहे हैं, जब तक कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं होती ऐसा फ्रंट बनता है तो क्या चिराग पासवान साथ रहेंगे? फ्रंट ऐसे बन जाते हैं क्या? वही वही मैंने देखिए, मैं फिर से दोहराता हूँ, मुझे लगता है मैं बोल बोल के थक गया, आप लोग सुन सुन के थक गए, पुनः दोहराता हूँ। जब भी बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे या बिहार में आम चुनाव की घोषणा होगी तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना गठबंधन किसके साथ करेगी, इस बात की जानकारी दी जाएगी। उससे पहले किसी फ्रंट की चर्चा। तो आपने चिराग पासवान को अस्पष्ट शब्दों में सुना, उन्होंने साफ साफ बातों में कह दिया कि देखिए अभी कोई चुनावी रणनीति नहीं चल रही है और ना ही कोई विधानसभा या लोकसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं ये कयास झूठे हैं और चिराग पासवान जनता के सेवक है और जनता को लेकर लगातार उनकी जो है सुर्खियां रहती है, जनता के बीच जाने का काम करते हैं और इस तरह की चर्चा जो है वो चर्चा में ही है। यदि चिराग पासवान आने वाले दिनों में आगे जाएंगे तो वो मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी बात को जरूर रखेंगे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि अभी किसी भी पार्टी से उनका गठबंधन नहीं होना है। हम आपको आगे भी खबरों में अपडेट कराएंगे, आप देखते रहिए लाइव बिहार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।